जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों रेलवे बोर्ड में, जो तुम्हारे बांसुरी वादक हैं, बांसुरी बजाने वाले हैं, ठीक है। और इसमें ड्रामा थिएटर आर्ट यानी कला रंगमंच प्रोग्राम करने वाले, सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगमंच करने वालों की भर्ती निकली है साथियों। कुल मिलाकर बात यह है कि बांसुरी बजाने वाले, गाने बजाने वालों की भर्ती निकल रही है रेलवे बोर्ड में। बिल्कुल साथियों, जयपुर मंडल में ये भर्ती है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। आवेदन शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा दोस्तों। एज क्या है, योग्यता क्या है, वेतन क्या है, चयन कैसे होगा, ठीक है, सारी चीज़ें हम इसमें बताने वाले हैं। नोटिफिकेशन भी आपको आने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती की जानकारी को देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है रेलवे बोर्ड की ओर से। देखो भाई, रेलवे बोर्ड सांस्कृतिक कोटा भर्ती 2024 बांसुरी वादक, बांसुरी बजाने वाले और गाने बजाने वालों की भर्ती है। सांस्कृतिक कोटा की भर्ती निकली है साथियों। जैसे खेल कोटा की भर्ती निकलती है, इसी प्रकार से सांस्कृतिक कोटा की भर्ती भी निकली है दोस्तों। अच्छा, अब इसमें देखो, ऑल इंडिया के महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। RRCNWR जयपुर भर्ती, ठीक है जी, रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से भर्ती निकल रही है तुम्हारी, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर भर्ती। अच्छा जी, अब देखो इसमें देखते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न की रेलवे भर्ती निकल रही है, जयपुर मंडल में ये भर्ती होगी। सारी जानकारी इसमें देने वाले हैं। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, 8 जुलाई से शुरू हैं और 7 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी भैया। 7 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, उससे पहले ही लगा देना, 7 अगस्त का इंतजार ना करें अगर कोई इच्छुक है तो, ठीक है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं इसमें सारी चीजें। उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा साथियों कि यह जो भर्ती है, यह केवल 2 ही पदों पर यह भर्ती होगी, और यह भर्ती उसके लिए है भाई जिसको ये गाना बजाना आता हो, बांसुरी बजाना आता हो। ऐसा नहीं है कि मन जचे जो ही फॉर्म भर देगा, जिसको काम आना आता है वो ही इसमें फॉर्म भरे। बांसुरी वादक का 1 पद है साथियों, और नाटक रंगमंच ड्रामा थिएटर कला इसका भी 1 पद है दोस्तों। यानी कि ये जो गाने बजाने वाले हैं, बांसुरी बजाने वाले हैं, इनका 1-1 पद है साथियों। टोटल 2 पदों पर ये भर्ती निकल रही है, ठीक है जी। मैं पहले ही ये चीज़ें कन्फर्म कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो कि साहब कोई आपको ज़्यादा पद बता दे तो ना माने भाई। और ये चीज़ पहले ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना, आपको अगर काम आता है तो ही आप इसमें फॉर्म भरें, अन्यथा कोई फॉर्म ना भरे भाई। जिसको बांसुरी नहीं बजानी आती है, उसके तो वहाँ ट्रेड टेस्ट होगा, एक प्रकार से स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपका, वहाँ बांसुरी बजा के दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। अच्छा, आप पूरी चीज़ें आप देखने वाले हैं, गाने बजाने वाले हैं तो उनसे गाने बजाने का काम करवाया जाएगा, दिखा भाई करके दिखा आता है कि नहीं आता है, तो फिर वो बोलेंगे साहब हमको तो नहीं आता तो क्यों फॉर्म भरा भाई, क्यों आए हो यहाँ, समझ गए हो ना। बिल्कुल, इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको कहाँ पर मिलेगा साथियों, 12वीं पास की ये भर्ती है। अगर आप 10वीं पास और ITI हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं में 50%, ठीक है जी, जनरल OBC EWS की 50% है, और SC ST और एक्स सर्विस मैन है वो 12वीं में केवल पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जनरल OBC EWS वाले अगर 12वीं में 50% है किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो फॉर्म भर पाएंगे। SC ST एक्स सर्विस मैन वाले केवल 12वीं पास, चाहे 35% हो चाहे 40 हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई 10वीं पास है और ITI भी साथ में है तो भी फॉर्म भर सकता है। अगर कोई 10वीं पास और अप्रेंटिस का डिप्लोमा अगर उसने कर रखा है, अप्रेंटिस का रेलवे में होता है या कहीं पे भी उसने बांसुरी वादक या ड्रामा थिएटर आर्ट कला गाने बजाने वालों का अप्रेंटिस का डिप्लोमा उसने किया हो, ठीक है, तो भी वो इसमें फॉर्म लगा
जा सकता है। ठीक है साहब, वेतन 19,900 से 63,200 आपको वेतन मिलेगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है साथियों, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, तो टेलीग्राम पर आप आराम से देख सकते हैं। सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम पर ही आपको प्रूफ मिलता है। ठीक है जी, ये है इसकी पूरी की पूरी चर्चाएं। अनुभवशील को प्रथम प्राथमिकता मिलेगी, जिसको भाई गाना बजाना ढंग से आता है, बांसुरी ढंग से बजानी आती है, उसको यहां पर प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। और बाकी जो लोग हैं उनको काम आए तो ही फॉर्म भरे भाई, अन्यथा वैसे नहीं है कि सभी फॉर्म भर देंगे। सभी फॉर्म मत भरना, आपको काम आना चाहिए। और इस भर्ती में किस प्रकार से क्या एज वगैरह मांगी गई है वो भी देखते हैं। एज की बात करें तो 18 से 27 और प्लस में 3 साल और बढ़ा दी गई। जनरल वालों की टोटल 30 साल कर दी है साथियों, यानी 18 से 30 साल है जनरल की। और एज की गणना होगी 1 जुलाई 2024 से। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट और मिल जाएगी। ओबीसी वाले 33 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। फॉरम फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के 500 रुपये लगेंगे, बाकी सबके 250 रुपये लगेंगे। और अगर आप इसमें एग्जाम में बैठते हो, देखो साथियों चयन किस प्रकार से होगा, एग्जाम होगा 50 नंबर का, स्किल टेस्ट होगा 35 नंबर का, यानी आपसे बांसुरी बजवाई जाएगी, गाने बजाने का काम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम रंगमंच का है वो आपसे करवाया जाएगा, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पर 35 नंबर का होगा वो, अब देखते हैं 35 में से आप कितने लाते हो। अच्छा करोगे तो 35 भी ले आओ, कम थोड़ा ढंग से करोगे तो 30 भी आ जाए, 25 भी आ जाए, उस हिसाब से इसमें से नंबर मिलेंगे। फिर आपका मेडिकल भी फिटनेस होना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर साहब से बनवा के ले जाना पड़ेगा आपको बाद में, अच्छा साहब कि हम फिटनेस हैं, अच्छे प्रकार से हम कर पाएंगे ये काम, ठीक है साहब। दूसरा रहेगा आपका प्रशंसा पत्र या पुरस्कार का मूल्यांकन, ये 15 नंबर का रहेगा। अगर आपने बांसुरी बजाने में कोई पुरस्कार जीता है, कोई मेडल जीता है, कोई प्रशंसा पत्र आपने को मिला है, कोई सम्मान हुआ है आपका, है ना, ड्रामा थिएटर में, जैसे आप रंगमंच प्रोग्रामों में आपने कहीं पर ऐसा प्रदर्शन दिखाया हो जिसकी वजह से आपको मान सम्मान मिला हो, ठीक है, प्रशस्ति पत्र मिला हो, तो उनके भी नंबर मिलेंगे। ये टोटल 15 नंबर का रहेगा साथियों, इसमें से आपको कितने नंबर मिलते हैं वो मूल्यांकन के अनुसार नंबर जुड़ेंगे। तो ये टोटल 100 नंबर का तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा साथियों, उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट और चयन हो जाएगा, ठीक है साहब। तो एग्जाम जो होगा ना साथियों, उस एग्जाम में आप बैठते हो तो आपको 500 में जिसने फॉर्म फीस भरी है उसको 400 रुपए वापस कर दिया जाएगा, अगर कोई एग्जाम देने बैठेगा तो। और जिसने 250 रुपए की फॉर्म फीस भरी है वो अगर एग्जाम में बैठ जाता है, जैसे एससी एसटी ये जो लोग हैं ये 250 रुपए देंगे, तो ये एग्जाम देने बैठ जाते हैं तो इनको 250 के 250 पूरे वापस कर दिए जाएंगे। ये है इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया साथियों, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म कौन भरेगा, जिसको ये गाना बजाने का काम आता है, बांसुरी बजाने का काम आता है, ठीक है। बगैर बांसुरी बजाने के तो फिर कोई फायदा नहीं, आपसे बजवाई जाएगी वहां पर, फिर वैसे फूंक मारोगे तू 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 ऐसे ही करोगे फिर बस, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है भैया, अच्छी प्रकार से काम आना चाहिए आपको, तभी फॉर्म भरे। दो ही पद हैं इसमें, ज्यादा पद नहीं है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।